हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीपीएससी प्लेटफॉर्म। आज का जो हमारा सेशन होगा ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रिवीजन सीरीज का पार्ट 33 होगा। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 6, जो अभी तक हम लोग बीपीएससी के प्रीवियस ईयर के सवालों को कर रहे हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री का आज लास्ट पार्ट है। इस पार्ट 6 में हम 35 प्रश्नों को करेंगे और अभी तक हम लोगों ने 150 प्रश्नों को किया है, तो लगभग 185 क्वेश्चंस के करने के बाद हमारा बीपीएससी प्रीवियस ईयर में अभी तक जितना भी आप देख सकते हैं 45th बीपीएससी से लेके 66 तक के जितना भी सवाल पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री का, वो सारा कवर हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा वो हम लोग कवर करने वाले हैं 45 डे सीरीज में, पॉलिटी को। ठीक है, तो पॉलिटी इसके बाद चलेगा। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा लेक्चर नंबर 34, वहां से हम लोग पॉलिटीज के सवालों को करेंगे। पॉलिटी के ऊपर एक से दो क्लास होगा। उसके बाद जितना पॉलिटी, क्योंकि पॉलिटी का वेटेज थोड़ा सा कम होता है, लगभग 10 प्रश्न पूछे जाते हैं बीपीएससी में, तो लगभग हम लोग 45th बीपीएससी से लेकर अगर हम 66 की बात करें तो लगभग 10 एग्जाम होंगे, तो उसको दो सेशन में हम लोग कर लेंगे। फिर अभी मैं आपको बता दूं कि अपकमिंग वीडियोस आने वाले हैं। इस वीडियोस को आप लोग से ओपिनियन लेना चाहता हूं कि सेशन लाइव होना चाहिए या रिकॉर्डेड होना चाहिए। ये जो दो सेशन आप देख पा रहे होंगे, यूनियन बजट का और इकोनॉमिक सर्वे का, यूनियन बजट का सेशन आपको लाइव चाहिए या रिकॉर्डेड चाहिए आपको बताना है। अगर लाइव चाहिए तो कब चाहिए ये मुझे आपको कमेंट करके बताना है, और अगर आप रिकॉर्ड चाहते हैं तो ये जल्द ही इसको हम लोग अपलोड करेंगे। ऑलरेडी सारा चीज़ बना हुआ है। फिर उसके बाद इकोनॉमी सर्वे, ये दोनों सेशन बहुत महत्वपूर्ण है फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स, और बहुत ही डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ेंगे इस दोनों वीडियोज़ को, तो आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। ओके, और ये 45 डे सीरीज जो हमारा होगा कल से, वो उसमें हम लोग पॉलिटी कवर करने वाले हैं। तो आज आज से मॉडर्न हिस्ट्री पूरा समाप्त हो चुका है। अब हम वीडियोस आपको जल्द ही मिलेगा, संडे को वीडियोस आपको मिलेगा हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है फॉर द बीपीएससी प्रीलिम्स। ओके, एकदम बहुत अच्छा आपको एक चार्ट बना के मैं दूंगा, जिसमें आपको हिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक को पढ़ना है, वो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके एग्जाम के लिए, और बहुत ही आप कह सकते हैं कि एक स्मार्ट स्टडी में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो जल्दी ही वीडियो आने वाला है इसके लिए। तो ये दोनों वीडियो यूनियन बजट और इकोनॉमी सर्विस के बारे में आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के प्रश्न के साथ। आज का जो हमारा प्रश्न होगा 151 नंबर सवाल से स्टार्ट करेंगे, देखते हैं 151 नंबर सवाल क्या कहता है। देखिए, जितने भी बेसिकली बहुत सारे सवाल, कम से कम 10-15 सवाल मैंने बहुत स्किप किया है, जो सवाल बार बार रिपीटेड था तो मैंने बहुत सारे सवालों को स्किप किया। तो इस तरह से आपको ऐसा लग रहा हो कि केवल 180 सवाल में पूरा खत्म हो चुका, तो नहीं, 10-20 सवाल ऐसे थे बहुत सिंपल और रिपीटेड बार बार, तो जो सवाल बार बार रिपीट होंगे उसको मैंने हटा दिया है। सवाल नंबर 151 कहता है, हु प्रिजाइडेड ओवर द दिल्ली सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1947। बहुत सिंपल सवाल है, 1947 का जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ था उसके अध्यक्षता किसने किया। तो दिल्ली अधिवेशन की जो अध्यक्षता किया था वो जेबी कृपलानी के द्वारा किया गया था, जेबी कृपलानी के द्वारा वो किया गया था। इस बात को आपको ध्यान रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता 1947 में। ओके, या कोई पूछ दे कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा था, मीन्स कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, सॉरी ब्रिटिश से इंडियन को मिल रहा था पूरा पावर, मीन्स कि 1947 की बात सीधे, ऐसे भी सवाल घुमा के पूछा है, तो वो भी जेबी कृपलानी ही होगा, इस बात को ध्यान रखिए। स्वतंत्रता के समय पूछेगा तो वो भी जेबी कृपलानी ही होगा, इस भी आपको याद रखना है। तो जेबी कृपलानी इज द राइट आंसर। ओके, अब देख सकते हैं जेबी कृपलानी जो है वो फर्स्ट बोलते प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस एट द टाइम ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस इन 1947। 1912 से 1947 तक के कृपलानी ने इंग्लिश और हिस्ट्री के लेक्चर्स के रूप में एलएस कॉलेज, जो बीबी कॉलेज के नाम से जाना है, मुजफ्फरपुर में लेक्चर के रूप में रहे थे। उन्होंने कांग्रेस को छोड़ा और किसान मजदूर सभा का गठन किया 1951 में। सुचेता कृपलानी के बारे में बोला जा रहा है कि फर्स्ट वीमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ एनी स्टेट इन इंडिया वॉज हिज वाइफ। ध्यान रखिएगा, जेबी कृपलानी का ही वाइफ थी सुचेता कृपलानी, और वो पहली महिला मुख्यमंत्री बनी, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा। ओके, तो यहां तक कवर हो गया, चलते हैं हम आगे सवाल नंबर 2 की ओर, 152 की ओर। एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर पावर, सेम सवाल पूछा गया है, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट पजेस्ड एज वेल डेवलप्ड कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन इट वॉज। देख कर रहा है कि जब ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, मीन्स की जब आजादी की बात हुई, तो कौन सा ऐसा स्टेट था जो कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन से, मतलब पूरा, मतलब कहने का मतलब कि वहां उस राज्य में कांग्रेस का ज्यादा, मतलब कहने का मतलब संगठन था, तो वो राज्य कौन है, तो वो राज्य होगा मैसूर। क्या होगा? मैसूर होगा। ट्रांसफर ऑफ पावर बोला मतलब कि आजादी की बात कर रहा है, ठीक है, तो मैसूर होगा। देखिए लिखा हुआ है कि कांग्रेस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन मैसूर सिंस 1930 में ही मैसूर में कांग्रेस ऑर्गेनाइज किया गया था, और
दे ऑर्गेनाइज अ मूवमेंट फॉर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट अगेंस्ट दीवान, और वहाँ के दीवान जो मैसूर के दीवान था उसके उसके खिलाफ इन्होंने मतलब एक भी, आंदोलन भी किया था कि वहाँ पे एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट हो, क्योंकि वहाँ पे दीवान था और राजा था। द कांग्रेस ऑल्सो स्टार्ट मैसूर चलो मूवमेंट, ये ध्यान रखेगा। द मूवमेंट एम एट इंस्टॉलिंग डेमोक्रेटिक एंड रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन द प्रिंसली, क्योंकि देखिए मैसूर उसमें क्या था, एक प्रांत था, देसी प्रांत था। विद देन रूलर अनाउंसिंग हिज डिसीजन टू हैंड ओवर रेंस टू अ डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट, फिर बाद में क्या हुआ कि वहाँ के जो राजा थे उसने जो अपने सत्ता को फिर कहने का मतलब हैंड ओवर किया एक जो लोकतांत्रिक चुना हुआ सरकार था उसको। देयर अवे सीट टू द इंडियन यूनियन ऑन 24 अक्टूबर 1947, इसलिए 24 अक्टूबर 1947 को ये भारतीय संघ में शामिल हो गया। तो मैसूर में कांग्रेस का बहुत ही मतलब कहने का वेल डेवलप कांग्रेस पार्टी ऑर्गेनाइजेशन थी वहाँ पे, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। मैसूर की बात कर रहा है। एगो 53वां सवाल कर रहा है कि कांग्रेस इन त्रावणकोर लॉन्च अ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट अगेंस्ट द ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ द दीवान ऑफ त्रावणकोर स्टेट, नेम ऑफ द दीवान। देखिए ये सवाल 46th BPSC का है, तो सवाल देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस से ज्यादा पूछा है। तो कह रहा है कि पूछ रहा है कि त्रावणकोर में कांग्रेस ने एक सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट को लॉन्च किया ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, क्योंकि वहां पे एक ऑटोक्रेटिक मूवमेंट था, गवर्नमेंट था, ठीक है। दीवान की आपको पता है कि वहां त्रावणकोर स्टेट में दीवान था, दीवानी सब कुछ चला रहा था। तो किसने स्टार्ट किया था उस दीवान का नाम क्या था, ये पूछ रहा है। तो उस दीवान का नाम अगर बात करें सीपी रामास्वामी अय्यर था, ठीक है। उस दीवान का नाम सीपी रामास्वामी अय्यर, देखिए बात कर रहा है 1936 में महाराजा चिथिरा थिरुमल, ये कौन था, त्रावणकोर के महाराजा थे, उसने सीपी रामास्वामी को दीवान नियुक्त किया एज ए दीवान। और ध्यान रखिएगा अंडर द स्टेट कांग्रेस द पीपल ऑफ त्रावणकोर स्टार्टेड एंड एजिटेशन फॉर द रिस्पॉन्सिबल, देखिए अब राजा है तो राजा के खिलाफ क्या हुआ कि एक रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहने का मतलब इस्टेब्लिश किया जाए, ये राजा वजा कुछ नहीं होना, दीवान वा नहीं रहेगा, ठीक है। जो सीपी रामास्वामी अय्यर थे दीवान का, ओके त्रावणकोर का जो दीवान थे, उसने डिसाइड किया कि हम इस आंदोलन को दबा देंगे। 26 अगस्त 1938 को ही बैंड स्टेट कांग्रेस एंड यूथ लीग, वहाँ पे जो स्टेट कांग्रेस था उसको और यूथ लीग को बैन कर दिया। द स्टेट कांग्रेस देन रीऑर्गेनाइज अ सिविल डिसऑबिडेंस मूवमेंट अगेन दीवान, इसीलिए उसके ही विरुद्ध में एक आप कह सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की गई दीवान के खिलाफ, सीपी रामास्वामी अय्यर के खिलाफ, इस बात को ध्यान रखना है। सवाल नंबर 54 कहता है कि 37 का जो हुआ था सेशन इंटरनेशनल कांग्रेस का, वॉज हेल्ड इन बिहार एट, ध्यान रखिएगा। तो ये सवाल देखिए कितना, 1937 का सेशन हुआ तो देखिए उन्हें पहला बात बिहार में दो सेशन हुआ, एक हुआ 1912 में बाकेपुर पटना, एक हुआ 1922 में गया में, तो बिहार में तो कोई सेशन हुआ ही नहीं था पहला बात। तो इस सवाल को बीपीएससी ने डिलीट कर दिया था, ओके। हाँ ये पूछे कि 1937 का सेशन जो हुआ था इंटरनेशनल कांग्रेस का वो कहाँ हुआ था, बिहार अगर नहीं रहता तो हमारा उत्तर होगा फैजपुर में, क्योंकि एकमात्र ऐसा सेशन था जो कि कहाँ हुआ था, गाँव में हुआ था, ओके। फैजपुर सेशन जिसके अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किया था और ये गांव में होने वाला पहला सेशन था, ओके। तो यहाँ पर तो ऑप्शंस में यहाँ तो मैंने जो सवाल था मैंने सवाल डाला, तो पहला बात इस सवाल को डिलीट किया गया, अगर इस सवाल में से बिहार हटा दिया जाए तो हमारा ऑप्शन नंबर ई होगा, क्योंकि फैजपुर इसका राइट आंसर है, ओके। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, दो सेशन हुए 1912 एंड 1922 में, यहाँ पे सेम लिखा हुआ है देख सकते हैं। फैजपुर कहाँ पे है, तो जलगांव डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में है। ओनली टू कांग्रेस सेशन बिहार में बाकीपुर पटना एंड गया 1922 में। हम चलेंगे सवाल नंबर 155 की ओर। इन 1932 विद द पास ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी वाज डिक्लेयर अनलॉफुल। तो देखिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी थी, आखिर भारतीय कांग्रेस कमेटी थी, 1932 में एक ऑर्डर आया, अंग्रेजों ने एक ऑर्डर पास किया, उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो वो ऑर्डर था, वो ऑर्डिनेंस की बात कर ले या उस ऑर्डर की बात कर, उसका नाम था अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस। चार नए ऑर्डिनेंस आए थे, ओके। द इमरजेंसी पावर ऑर्डिनेंस, अनलॉफुल इंजेशन ऑर्डिनेंस, अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस, प्रिवेंशन ऑफ मोलेस्टेशन एंड द वाइकोट ऑर्डिनेंस वेर इशू बाय द गवर्नमेंट ऑन 4 जनवरी 1932। कांग्रेस को डिक्लेयर, कांग्रेस पार्टी को इलीगल किया गया कांग्रेस कमिटीज को, कब, 1932 में अनलॉफुल एसोसिएशन ऑर्डिनेंस। लॉर्ड विलिंगडन जो वाइसराय थे और गवर्नर जनरल थे उस समय, और ही इम्प्रिजन्ड ऑल मेंबर ऑफ द वर्किंग कमेटी एंड द प्रोविंशियल कमेटी एंड बैंड कांग्रेस यूथ ऑर्गेनाइजेशंस। इन टोटल ही इम्प्रिजन 80,000 इंडियन एक्टिविस्ट, 80,000 लोगों को इम्प्रिजेंट कर दिया, इस बात को ध्यान रखिएगा।
ये जो एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इस बात को आपको याद रखना है। सवाल नंबर 56 क्या कहता है, द इंग्लिश मैन हु वाज द क्लोज फ्रेंड ऑफ महात्मा गांधी ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। महात्मा गांधी का एक बहुत अच्छा दोस्त था, कौन था? तो मैंने ये बाप को मैं बता चुका हूँ, सी एफ एंड्रू, जिसको दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। सी एफ एंड्रू चार्ल्स फ्रीडर एंड्रूज थे, जो थे वो महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे और फ्रीडम मूवमेंट में उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम भी किया। यहाँ पे लिखा गया है कि चार्ल्स फ्रीडर एंड्रू थे क्रिश्चियन मिशनरी थे और महात्मा गांधी के बहुत ही क्लोज थे, और उन्होंने महात्मा गांधी को इंडिया आने के लिए कन्विंस किया था फ्रॉम साउथ अफ्रीका। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इन्होंने बहुत ज्यादा महात्मा गांधी को मतलब साथ दिया था। ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन फ्रॉम 1925 से 1927 तक ये इसके प्रेसिडेंट भी रहे, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन। ओके, ही वॉज अफेक्शनेटली डब्ड क्राइस्ट फेथफुल अपोस्टल बाई गांधी जी एंड रेफर एज दीन बंधु इन इंडियन हिस्ट्री, इसलिए भारतीय इतिहास में इन्हें दीन बंधु के नाम से जाना जाता है। ही वॉज ऑल्सो क्लोज फ्रेंड ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर। The relatives from his autobiography What I Owe to Christ were donated to Tagore Ashram in Shantiniketan, इनका बुक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ध्यान रख, समझ में आ गया आपको? इनका जो बुक से जितना भी रॉयल्टीज आया था वो सारे डोनेट किए गए थे कहाँ पे, तो टैगोर आश्रम शांतिनिकेतन में। सवाल नंबर 157 कहता है कि चेयरमैन ऑफ ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ 1935 बिल डेट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 1935 के भारत सरकार अधिनियम के गठन के लिए प्रेरित करने वाले 1935 विधेयक की संयुक्त संसदीय समिति के सदस्य थे। देखिए सवाल बहुत ही डीपली पूछा गया है। 1935 में आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया, बहुत महत्वपूर्ण एक्ट रहा, हमारे संविधान का 60% भाग लगभग इसी एक्ट से है। तो उसके लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी थी, उसके अध्यक्ष कौन थे ये पूछा है। देखिए अगर बात करेंगे तो लॉर्ड लिथलिंगो थे, उसके कमेटी के अध्यक्ष थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, ओके, और इसमें एक रिपोर्ट था जो ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी के द्वारा दिया गया था, और ये कमेटी को हेड कर रहे थे लॉर्ड लिथलिंगो को, इस बात को ध्यान रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अभी भी आपका कुछ भी ऐसे कोई भी बिल होता है तो उसके लिए ज्वाइंट सिलेक्ट कमेटी बैठती है, ठीक है, संयुक्त प्रवेश समिति उसको बोलते हैं हमारे भी लोकसभा राज्यसभा में, तो आपको पता होना चाहिए। द कमेटी रिव्यू द व्हाइट पेपर प्रपोजल फॉर अ ईयर एंड हाफ अप्रैल बिटवीन 1933 और 1934 के बीच में, इस पर मतलब काम किया मतलब 1.5 साल, ठीक है, और एक रिपोर्ट पेश किया, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का एक बेसिस बना, आधार बना, ठीक है। 158 में सवाल कहता कि एम ऑफ पूना पैक्ट, देखिए पूना पैक्ट आपको पता होना चाहिए, जो पूना पैक्ट हुआ था गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में, यहाँ पे जो कॉमनल अवार्ड आया था, रैमजे मैकडोनाल्ड ने लाया था कॉमनल अवार्ड, संपादायिक प्रचार जिसको बोलते हैं, जो कि डिप्रेस्ड क्लास जो दलित वर्ग थे उसके लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात कर रहा था। क्या कह रहा था कि उसको सेपरेट इलेक्टोरेट की बात, उनको भी पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करेंगे, लेकिन इस चीज से ले गांधी जी नाराज हो गए थे और पुणे की अयोध्या जेल में वो अपने आप को मीन्स की वो हड़ताल पर चले गए थे। तो फिर इस चीज को लेके तेज बहादुर शाहपुर की बात कर ले तो उसने इसमें बहुत ही ज्यादा भूमिका निभाया और फिर ये पूना पैक्ट साइन हुआ, इस बात को ध्यान रखिएगा। और पूना पैक्ट में जो बेसिकली एम था वो था कि जो लोअर कास्ट है उसको रिप्रेजेंटेशन दिया जाए, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर की बात कर ले, ठीक है, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात कर ले, वहां पे उनको एक रिप्रेजेंटेशन मिले, उनको उनकी सीट एक रिजर्वेशन के रूप में मिले, इसलिए वहां पे किया गया था 147 सीट किया गया था, इस बात को आपको ध्यान रहना चाहिए, ठीक है। और जितने भी सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली थे उसमें 18% सीट देख सकते हैं कि रिजर्व कर दिया गया था, ठीक है। तो ये मैंने कल भी बताया था, मैं आज भी बता रहा हूँ, पूना पैक्ट 1932 में। ओके, 159 नंबर सवाल करा कि द ऑब्जेक्ट ऑफ बटलर कमेटी, बटलर कमेटी पता आपको 1927 में आया था और उसका उद्देश्य था क्या था? देखिए उसका उद्देश्य था कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट मींस की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है और जो प्रिंसली स्टेट जो जहां पे देसी रियासत उसको बोल सकते हैं, जहां पे राजा है, मैसूर हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, हैदराबाद हो गया, निजाम, तो जितने प्रिंसली स्टेट हैं और जितने और एक जो सेंटर में जो राजा मीन्स की सेंटर में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनके बीच में रिलेशनशिप के बारे में, उनके रिलेशनशिप को इम्प्रूव किया जाए, उसके लिए बटलर कमेटी आया था। देखिए बटलर कमेटी के बारे में जानेंगे, 3 मेंबर कमेटी था जो 16 दिसंबर 1927 को आया था और ये एग्जामिन करना था ऐसा काम कि रिलेशन बिटवीन द प्रिंसली स्टेट एंड द पैरामाउंट पावर मीन्स की ब्रिटिश के बीच में। द कमिटी हेडेड बाय द हारकोर्ट बटलर और 2 मेंबर हैं सिडनी पील, फाइनेंशियर एंड द प्रोफेसर
डब्ल्यू एस हॉल्सबर्ग एंड एक इमिनेंट जुरिस्ट है। देखिए ये जुरिस्ट हैं, एक फाइनेंशियर हैं, ठीक है, सिडनी पील, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ओके, बस इतना डेट याद रखना है, क्या ऐसा काम था इतना याद रखना सफिशियंट है। 27 नंबर 160 कहता है द कॉज ऑफ डिक्लाइन ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में जो भी कपड़ा उद्योग था उसका पतन का कारण क्या है। देखिए पतन का कारण है कि जो ब्रिटेन था वो एक्सपोर्ट पे बहुत ज्यादा टैरिफ रेट रख दिया था, टैरिफ रेट को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया था कि जो भारतीय कपड़े हैं, जो भारतीय टेक्सटाइल हैं, वो एक्सपोर्ट ना हो पाए सही तरीके से, ओके, विदेशों में। तो ये कारण रहा कि जो डिक्लाइन हुआ वो जबरदस्त, और बहुत कारण थे, लेकिन यहाँ पे जो आप देख सकते हो ऑप्शन के अकॉर्डिंग द हाई एक्सपोर्ट टैरिफ इम्पोज बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑन द इंडियन टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेड टू इट डिक्लाइन इन द 18th सेंचुरी। द ब्रिटिश इम्पोज हाई टैरिफ ऑन द एक्सपोर्ट एंड द लो टैरिफ ऑन द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश क्लॉथ। देख सकते हैं बाहर जो सामान आ रहा है उस पर एकदम कोई टैरिफ ही नहीं लग रहा, मतलब बहुत कम, और यहाँ से इंडिया से कोई भारतीय सामान जाएगा तो उसमें बहुत जबरदस्त टैरिफ लगेगा। द मर्चेंट वर फोर्स टू इम्पोर्ट फॉरन क्लॉथ इंस्टीड ऑफ एक्सपोर्टिंग द इंडिजिनली डेवलप्ड टेक्सटाइल, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये इसलिए जो भी व्यापारी रहे वो मतलब विदेश जो मतलब घरेलू कपड़ा या कह सकते हैं कि इंडियन क्लॉथ वो खरीदते ही नहीं थे, आप उसको बहुत इतना ज्यादा पैसा कौन देगा, ओके, मतलब टैक्स कौन देगा, तो इसलिए डिक्लाइन कर गया। 161 में कहता है कि द मुस्लिम डेलीगेशन मेट मिंटो इन 1906 एट शिमला एंड प्लेड फॉर, शिमला में 1906 में मिंटो से मिला और मुस्लिम जो मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल थे और उसने किस चीज की मांग की। देखिए 1906 की बात करें, 1906 में मिला है, 1906 के बाद कुछ घटना घटा जो मुस्लिम के लिए फायदा हुआ। 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम, 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया ना, जिसको कि पृथक निर्वाचन प्रणाली की बात करता है मुस्लिमों के, 1919 में आएगा तो वो सिखों के लिए, एंग्लो इंडियन के लिए होगा। तो ये 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स की बात कही गई और इसी चीज का मांग भी किया था, ठीक है, देख सकते हैं। जॉन मार्ले जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे फॉर इंडिया डिक्लेयर दैट गवर्नमेंट वॉज गोइंग टू इनेक्ट सर्टेन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म, उसने बताया कि हम कुछ ऐसे संवैधानिक रिफॉर्म सुधार करने वाले हैं। तो 1 अक्टूबर 1906 को डिपुटेशन ऑफ 35 मुस्लिम लीडर जिसमें आगा खान थर्ड लॉर्ड मिंटो से मिलते हैं शिमला में, ओके, शिमला में से बैठते थे वहां वाइस राय साहब, और इस सवाल को डिस्कस किया कि मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए असेंबली में। लॉर्ड मिंटो प्रॉमिस किया कि जो भी रिफॉर्म्स होगा, ओके, वो कहीं ना कहीं मुस्लिम कम्युनिटी के सेफगार्ड के लिए होगा, इसके लिए टेंशन मत लीजिए। और इसलिए 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया और सेपरेट इलेक्ट्रोट की बात किया मुस्लिम कम्युनिटीज के लिए, ओके, इस बात को ध्यान रखिएगा। और इसी के बाद देख सकते हैं, और कहीं ना कहीं इस सारे जो कारण हुए, ये सारे कारण ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कारण ही हुआ था, इस बात को आपको ध्यान रखिएगा, ओके। अब देखिए इसलिए मिंटो क्या बोलता है, फादर ऑफ पाकिस्तान, कौन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, फादर ऑफ पाकिस्तान आपको पता है, लेकिन यहां पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जिसको फादर ऑफ पाकिस्तान बोला वो लॉर्ड मिंटो था, क्योंकि सब इसी का कह दे रहा था। 162 नंबर सवाल की बात करेंगे, द सिस्टम ऑफ कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, बहुत सिंपल सवाल है, जो सिविल सर्विसेज में कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की बात हुई थी वो 1853 में हुआ था, 1853 में, बहुत सिंपल है, मैंने ये बताया आपको बहुत पहले। यहां देख सकते हैं कि सिविल सर्वेंट पहले नॉमिनेट होते थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर्स थे उनके द्वारा, ठीक है, 1853 तक, लेकिन फिर बाद में हटा दिया गया और फिर बाद में क्या कर जाएगा कि एग्जाम लिया जाएगा। और पहले और एग्जाम कहां होता था, लंदन में, और पहले जो सत्येंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने सबसे पहले बार इस एग्जाम को पास किया 1863 में। फिर उसके बाद आप देखिएगा एसएन बनर्जी पास करेंगे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी पास करेंगे, फिर ये पास करते हैं, फिर सिलेट असम में असिस्टेंट मजिस्ट्रेट बनते हैं, फिर इनको निकाल दिया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पहली जो पास करने वाले आईसीएस हैं वो सत्येंद्रनाथ टैगोर हैं। 63 में सवाल करता है कि झंडा गीत किसने लिखा है, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, इस झंडा गीत को लिखने वाले हैं श्यामलाल प्रसाद, श्यामलाल जो विजय विश्व तिरंगा प्यारा है वो इनके द्वारा लिखा गया है, श्यामलाल प्रसाद के द्वारा झंडा गीत, इस बात को ध्यान रखिएगा। इनका ऐसे प्रसाद भी इनका नाम बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं इसके इस ये जो आपका झंडा गीत है आपको यहाँ सामने है, बहुत बड़ा, लेकिन मैंने यहाँ पे कुछ लाइन्स आपको यहाँ पे दिखाया, ठीक है। चलेंगे सवाल नंबर 164 की ओर, विच प्रिंसिपल वाज प्रोपोंडेड बाय नेहरू जी फॉर एस्टैब्लिशिंग वर्ल्ड पीस एंड म्यूचुअल कोऑपरेशन, मतलब कि विश्व शांति और पारस्परिक सहयोग के लिए, मतलब देशों के बीच में शांति रहे, देशों के बीच में सहयोग बना रहे, उसके लिए एक सिद्धांत लाया था नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट में नेहरू जी के द्वारा, ठीक है, गुट निरपेक्ष जो मूवमेंट था इनके द्वारा स्टार्ट किया गया था शांति के लिए और म्यूचुअल
कॉरपोरेशन के लिए। द नन अलाइंड मूवमेंट एज एन ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्मलाइज बाई साइनिंग द डिक्लेरेशन ऑफ ब्रिजुनी ऑन 19 जुलाई 1956। नाम का इस्टेब्लिशमेंट की बात करेंगे 1961 के बेलग्रेड सर्बिया में होता है। सवाल पूछ सकता है कि नाम का इस्टेब्लिशमेंट कहाँ होता है 1961 में बेलग्रेड के सर्बिया में। इसमें साइन कौन किया था, जोसिफ ब्रॉज टीटो यूगोस्लाविया के, जवाहरलाल नेहरू इंडिया के, और गैमल एडल नसर ऑफ इजिप्ट। ये तीनों नाम याद रखना है, ठीक है। तीनों नाम जे 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 से आप याद रखें सब हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए जोसिफ ब्रोज टिटो जवाहरलाल जैसे, इसको भी गैमल को जे से याद रखे याद आ जाएगा, ओके। और वन ऑफ द कोटेशन विद इन द डिक्लेरेशन इज द पीस कैन नॉट बी अचीव विद सेपरेशन, मतलब अलग अलग रहने से शांति नहीं हो सकता, बट विद द एस्पायरेशन टुवर्ड कलेक्टिव सिक्योरिटी इन द ग्लोबल टर्म्स एंड एक्सपेंशन ऑफ द फ्रीडम एज वेल एज टर्मिनेटिंग द डोमिनेशन ऑफ वन कंट्री ऑफ द, मतलब यही है कि एक दूसरे को ऑपरेट करे, एक कंट्री दूसरे कंट्री को डोमिनेट ना करे, ओके। कलेक्टिव सिक्योरिटी हो तभी एक पीस को मतलब अचीव किया जा सकता है, ये सारे डिक्लेरेशन था इसके अंदर। तो इस बात को ध्यान रखिए। 165वां सवाल कहता है कि सर्वोदय शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बार किसने किया, तो इसका इस्तेमाल सबसे पहले बार गांधी जी ने किया था, ओके। महात्मा गांधी पुट फॉरवर्ड फोर मेन गोल बिफोर यूथ फॉर ह्यूमैनिटीज एज सो एज टू मूव टुवर्ड इट्स डेस्टिनी इन हिज बुक हिंद स्वराज। हिंद स्वराज में इन्होंने इस चीज को बताया, ओके। फोर मेन गोल थे स्वराज, नॉन वायलेंस, स्वदेशी एंड सर्वोदय। तो सर्वोदय का मतलब होता है यूनिवर्सल अपलिफ्ट, प्रोग्रेस फॉर ऑल, सबको सबको मतलब ऊपर उठाओ, सबको आगे बढ़ने दो। और इस सबसे पहली बार मोहनदास करमचंद गांधी के द्वारा ही सबसे पहली बार इसको स्टार्ट किया गया था, ओके। और लिखा गया है एज द टाइटल ऑफ हिज 1908 ट्रांसलेशन ऑफ जॉन रस्किन्स ट्रैक्ट ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ऑन टू दिस लास्ट, गांधी जी यूज दिस टर्म फॉर द आइडियल हिज ओन पॉलिटिकल फिलोसफी ऑन टू द लास्ट का उनका जो ट्रांसलेशन किया गया था जॉन रस्किन बोर्ड का बुक था, उसमें इन्होंने इस चीज का बारे में वर्णन किया था, ठीक है। 166वां सवाल कहता है कि पहली बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन कहाँ हुआ, सबसे पहली बार न्यूक्लियर एक्सप्लोजन की बात करेंगे तो स्माइलिंग बुद्धा करके ऑपरेशन हुआ था 18 मई 1974 में, ठीक है। कहाँ पे, पोखरण में, इस बात ध्यान रखिएगा, ओके। पोखरण के राजस्थान में स्माइलिंग बुद्धा इसका कोड नेम था। और सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट था जो इंडियन आर्मी द्वारा पोखरण, फिर ये भी मई 1998 में हुआ था, पहले 1974 फिर 1998 में। और देश टेस्ट वार इंस्टीट्यूट ऑन 11 मई 1998 अंडर असाइन कोड नेम ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। इस बात ध्यान रखिएगा, देश टेस्ट वेर इनिशिएटेड ऑन 11 मई 1998 अंडर द असाइन कोड नेम ऑपरेशन शक्ति। दूसरा वाला तो ऑपरेशन शक्ति, पहला वाला स्माइलिंग बुद्ध, ये दोनों नाम याद रखना है, ठीक है। Who among the following Mughal emperor had issued an important order to help the, देखिए इंग्लिश मतलब ब्रिटिश को व्यापार में मदद पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा आदेश जारी किया गया, जो अब कह सकते हैं, तो वो फरकुशियार के द्वारा जारी किया गया था, ओके, जिसको गोल्डन फरमान बोलते हैं। तो फरकुशियार के द्वारा इसको जारी किया गया था, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाया उसमें, ठीक है। द मुगल इंपीरियर फरकुशियार इशू अ फरमान टू ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1770, ओके। और इसमें था कि 3000 रुपया दो पेमेंट, ओके, एनुअली, और फ्री ट्रेड करो ईस्ट इंडिया कंपनी को। फिर कहा कि आप दस्तक को इशू कर सकते हैं, उस दस्तक को जो इस्तेमाल करेगा वो जो भी सामान से गुड से उनका मूवमेंट हो सकता है, ओके। और इसलिए जो कंपनी के जो ऑफिसर थे इस दस्तक का इस मिसयूज करने लगा, फिर बाद में सिराजुद्दौला को यही दिक्कत लगा सिराजुद्दौला को, तो फिर देखते हैं बैटल ऑफ प्लासी होता है, समझ में आ गया आपको। सवाल नंबर 67 कहता है कि हु बिकम द फर्स्ट वाइसराय ऑफ द पोर्टुगीज कॉलोनी। मैंने बताया कि सबसे पहले वो जो वाइसराय बन के आएगा एलमेडा आएगा, फिर फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क आएगा, फिर उसके बाद देखिएगा नीनो डी क्यूनहा है, ये सारे कुछ ऐसे मैं सबको बता चुका हूँ। सबसे पहले बार आने वाले पुर्तगाली वास्को डी गामा, ये पहली बार जो वाइसराय बन के आया वो आएगा एलमेडा, ठीक है, ब्लू वाटर पॉलिसी। फिर फ्रांसिस्को अल्बुकर्क आएगा, इसका क्या है, गोवा को पुर्तगाल में शामिल किया, मतलब पुर्तगाली कॉलोनी में शामिल किया 1510 में। इस चीज को आपको ध्यान रखना, ये दो चीज बहुत महत्वपूर्ण है। हम आगे चलेंगे 169। विच उर्दू पोएट हैड सीन द रिवोल्ट, मतलब 1857 के रिवोल्ट के समय कौन सा उर्दू पोएट यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वो है गालिब। कौन है, गालिब है, ध्यान रखिएगा। मिर्जा असदुल्ला बेग खान अलियास, ऐसे हम उसको मिर्जा गालिब बोलते हैं, उनका नाम पूरा यह था, वॉज बॉर्न एट आगरा 1797 में। मुगल इंपायर बादशाह सेकंड बेस्टो अपॉन मिर्जा गालिब टाइटल ऑफ दबीर उल मुल्क 1850 में दिया।
बहादुर शाह जफर के कोर्ट पोएट थे, इस बात ध्यान रखिएगा, और उनके बेटे प्रिंस फखरुद्दीन मिर्जा के मतलब कहने का ट्यूटर भी थे एक तरह से। ओके, उन्होंने एक बुक भी लिखा, उनका नाम था, आप बोल सकते हैं कि असद था, ही रोट पोएट्री इन बोथ उर्दू एंड पर्सियन। ओके, और उन्होंने 1857 के रिवोल्ट को देखा। गालिब डायड ऑन 15 फरवरी 1869 एंड वरीड इन द हजरत निजामुद्दीन नियर द टॉम ऑफ निजामुद्दीन औलिया। मोहम्मद इब्राहिम जाक जो थे वो मिर्जा गालिब के कंटेम्प्रेरी थे, लेकिन 1854 में ही इनका डेथ हो चुका था, इस बात ध्यान रखिएगा। मोहम्मद ताकी मीर थे जो उर्दू पोएट थे 18th सेंचुरी के। ओके, 17 की हम बात करेंगे तो उसी समय की, बताओ मुगल इंडिया के समय। तो आपको मैंने सारा ऑप्शन कवर करा दिया। तो मिर्जा गालिब थे, उन्हें 1857 के रिवोल्ट के समय आपको देखा जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 70 कहता है कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज फेयरेस्ट इनेमी ऑफ द ब्रिटिश इंडिया ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857। अंग्रेजों का बहुत ही बड़ा दुश्मन रहा, वो है मौलवी अहमदुल्ला शाह। ओके, देखिए मौलवी अहमदुल्ला शाह की बात करेंगे तो 1856 में वो गांव से गांव जाते थे और प्रचार करते थे जिहाद का, एक धर्म युद्ध की बात करते थे ब्रिटिश के खिलाफ, कि उसको और लोगों को विद्रोह के लिए भड़काते थे। मीन्स की भड़काते मीन्स की मतलब उनको मतलब उसकाते थे। ही मूव इन अ प्लकिन विथ ड्रम बीटर इन फ्रंट ऑफ फॉलोवर एट द रेयर, मतलब ड्रम ढोल के साथ जाते थे और मतलब अंग्रेजों का मतलब कहने मतलब अंग्रेजों के खिलाफ भड़का देते, इसलिए उसको डंका शाह के नाम से बोला जाने लगा, क्योंकि हमेशा वो अपने साथ ड्रम रखते थे। ओके, ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 ही लेड द म्यूटिनिस 22nd नेटिव इन्फेंट्री, जो 22वां NI था। ओके, उनको उन्होंने नेतृत्व किया एंड फॉट इन द फेमस बैटल ऑफ चिनहट इन विच ब्रिटिश फोर्स अंडर हेनरी लॉरेंस वायर डिफीटेड, जहां पे हेनरी लॉरेंस के मतलब नेतृत्व में जो ब्रिटिश फोर्स था बैटल ऑफ चिनहट में उनकी हार हो गई, मीन ब्रिटिश की हार हो गई, समझ रहे हैं। इस बात ध्यान रखिए। सवाल नंबर 171 और चलेंगे। हु वाज अपॉइंटेड एज अ डिप्टी दीवान ऑफ मुर्शिदाबाद बाय रॉबर्ट क्लाइव। देखिए मुर्शिदाबाद के डिप्टी दीवान बने थे आफ्टर द ट्रीटी ऑफ अलाहाबाद 1765 के अलाहाबाद संधि के बाद। जो बंगाल के अगर बात करेंगे, जो मुर्शिदाबाद की बात करेंगे, जो डिप्टी दीवान के रूप में बने थे वो मोहम्मद राजा खान। सीताब राय जो है वो बनेंगे बिहार के डिप्टी दीवान। ओके, इस बात ध्यान रखिएगा। तो यहां तक समझ में आ गया आप लोगों को, हम चलेंगे सवाल नंबर 172 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन इज रिलेटेड टू रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ब्रिटिश इंपीरियल आर्मी आफ्टर द एंड ऑफ 1857 रिवोल्ट। सेम चीजें मैंने कल के सवाल में बताया था कि 1857 के रिवोल्ट के बाद कौन कौन से लोग शामिल हुए थे ब्रिटिश सेना में। तो आपको मैंने बताया था कि पठान थे, सिख थे, गोरखास थे, ये सारे शामिल हुए थे। लेकिन यहाँ पे कौन सा कमीशन आया था जो इसके पुनर्निर्माण की बात किया, कौन सा आयोग आया था, वो था पील आयोग। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 अ रॉयल कमीशन नोन एज पील कमीशन वाज अपॉइंटेड इन जुलाई 1858, जिसमें मेजर जनरल जोनाथन पील थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द वॉर। इसका टास्क था कि कंसीडर करिए और रिकमेंड करिए कुछ ऐसे रास्ते जो फिर से इंपीरियल मिलिट्री आर्मी को रिकंस्ट्रक्ट कर पाए। ओके, द कमीशन ने रिकमेंड किया कि द नेटिव आर्मी शुड बी कंपोज ऑफ डिफरेंट नेशनलिटीज एंड द कास्ट, उसमें अलग अलग लोग तरह के मतलब कास्ट के लोग रहने चाहिए, अलग अलग राष्ट्र के लोग रहने चाहिए। एज अ जनरल रूल मिक्स प्रोमिस्कुलिट थ्रू ईच रेजिमेंट, और सारे रेजिमेंट के लोग एक तरह से आके यहाँ पे मतलब कहने का मतलब मिस हो गए, मिक्स हो जाएंगे, मतलब कि एक मिश्रित आर्मी की बात की थी। तो ये पील कमीशन होगा, इस सवाल का उत्तर ध्यान रखिएगा। सवाल नंबर 173 कहता है कि वेयर वॉज आजाद हिंद फौज। आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुआ था, ठीक, किस बात है, सिंगापुर में 1942 में हुआ था। ओके, जो मोहन सिंह थे, राज बिहारी बोस थे, जो इंडियन नेशनल आर्मी की बात कर लेते हैं, पहले इसकी स्थापना किया, लेकिन बाद में फिर आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाने लगा। ओके, अब देखिए द इंडियन नेशनल आर्मी वॉज फाउंडेड विद द हेल्प ऑफ जैपनीज आर्मी एंड द इनिशियल कंपोज ऑफ 12,000 ओके ऑफ 14,000 प्रिजनर ऑफ वार हु वर कैप्चर आइदर ड्यूरिंग द मलयान कैंपेन एंड द सरेंडर एट सिंगापुर। ओके, 40,000 जो भारतीय कैदी थे उनमें से 12,000 कैदी को इंडियन नेशनल आर्मी में मतलब कहने का मतलब कि आए थे और इसका गठन किए थे राज बिहारी बोस। फिर बाद में इंडियन नेशनल आर्मी की सत्ता को सुभाष चंद्र बोस के हाथों में सौंप दिया 1943 में, ठीक है। तो INA की बात करेंगे, आजाद हिंद फौज की बात करेंगे, तो वो था सिंगापुर में स्थापना हुआ था। सवाल नंबर 174 का था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, तीनों को फांसी जो पड़ा था बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो ये सांडर्स हत्याकांड में पड़ा था और ये 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस
ओके, ध्यान रखिएगा। भगत सिंह, शिवराम राजगुरु, और जो आपको पता होना चाहिए कि जॉन स्कॉट को मारना था, लेकिन जॉन सॉन्डर्स की हत्या हो गई थी। जॉन स्कॉट जो कि आपको पता होना चाहिए कि जब साइमन कमीशन आया था तो लाल लाजपत राय ने इसका विरोध किया था, तो उस पर लाठीचार्ज करवाने का जो जो ऑर्डर दिया था वो जॉन स्कॉट ने दिया था, लेकिन इन्होंने जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी दिसंबर 1928 में। ओके, और भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के बारे में आप जानते हैं कि सेंट्रल लेजिस्लेचर असेंबली 1929 में बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को, इनको भी अरेस्ट किया, यहीं पर अरेस्ट किया गया था, और उन लोगों को भी अरेस्ट किया गया, फिर बाद में तीनों को फांसी चढ़ा दिया गया था 23 मार्च 1931 को। ठीक है, वो बात है चेयरमैन ऑफ कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन के चेयरमैन की बात करें तो लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, तीन सदस्य थे, एबी अलेक्जेंडर, स्टेफोर्ड क्रिप्स और लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे जो इसके चेयरमैन थे। कैबिनेट मिशन कमेटी फॉर्मुलेटेड बाय द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली, जो ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश टू इंडिया की बात करता है। द थ्री मिशन हेडेड बाय पैथिक लॉरेंस, जिसमें तीन थे, देख सकते हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट था स्टेफोर्ड क्रिप्स, कौन था एलेक्जेंडर, क्या था, मैं बहुत बार इसको डिस्कस भी कर चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, इस बात ध्यान रखिएगा। हम चलेंगे सवाल नंबर 76 की ओर। द ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नेंस इन बंगाल वाज इन्फोर्स्ड बाय, बंगाल में दोहरी शासन की बात कर रहा है, तो 1773 आप जानते हैं, उसके पहले जो बंगाल में शासन था 1765 से, वो था दोहरी शासन था, और वो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा स्टार्ट किया गया था। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो रॉबर्ट क्लाइव इसका उत्तर होगा, फिर बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा, फिर इसको दोहरी शासन को समाप्त कर देगा। ठीक है, तो डबल गवर्नमेंट बंगाल में रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा 1765 से 1772 तक चला था, इस बात ध्यान रखिएगा। रॉबर्ट क्लाइव ने सोसाइटी ऑफ ट्रेड की शुरुआत की 1765 में। ओके, हम अब देखिए ड्यूअल सिस्टम में क्या था, कंपनी का काम था भैया रेवेन्यू कलेक्ट करना, दीवानी राइट था उसके पास, और जो राजा है उसके पास क्या था, प्रशासनिक शक्तियां थी। हु अमंग द फॉलोइंग पार्टिसिपेटेड इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हेल्ड एट शिकागो इन 1893। अभी पता है कि धर्म धर्म जो सभा हुआ था, धर्म सम्मेलन जो हुआ था, उसमें स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था 1893 में। चलिए सिंपल सवाल है ये। ओके, हम चलेंगे सवाल नंबर 178। नील दर्पण, उनका बहुत अच्छा एक नाटक था, और जिसमें नील के जो किसान थे उनके उत्पीड़न के बारे में प्रदर्शित किया गया था, तो वो लिखा गया था बुक दीनबंधु मित्र के द्वारा। सॉरी, वो नाटक किसके द्वारा था, दीनबंधु मित्र के द्वारा। ओके, आप देख सकते हैं दीनबंधु मित्र प्लेइंग नील दर्पण 1860 में बनाया था, और नील दर्पण में जो भी इंडिगो फार्मर थे उनके फ्लाइट्स के बारे में, उनके उत्पीड़न के बारे में था। इंडिगो रिवोल्ट 1858 में हुआ था, ये बात ध्यान रखिएगा। नील दर्पण 1858 1860, बिया पगला वुडो 1866, ये सारे कुछ बुक्स हैं, इस बात ध्यान रखिएगा, कोई महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा। ओके, ये बुक किनका है, दीनबंधु मित्र का, नील दर्पण। ठीक है, 179 कहता है कि बैटल ऑफ बांडीवास, आपको पता है थर्ड एंग्लो मैसूर, तो थर्ड कैनेटिक बार आपको पता होना चाहिए, थर्ड कैनेटिक बार में ही तो बैटल ऑफ बांडीवास होगा, और पूरा तरह से फ्रेंच का जो सुपरमेसी था वो खत्म हो जाएगा इंडिया के अंदर। तो ये आपका फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेरिस की संधि होगा यहाँ पे, इस बात ध्यान रखिएगा। पहला जो कर्नाटिक बार हुआ वो ट्रीटी ऑफ एक्सला सैपल, सेकेंड पौंडेचेरी की संधि, और तीसरा आपका पेरिस की संधि। ठीक है, तीनों याद रखिएगा, मैंने तीनों बहुत बार अच्छा तरीके से बताया है, तो आपको याद होना चाहिए। हाँ, लेकिन ये पूछे कि बैटल ऑफ बांडीवास में कौन था, तो सर आयरकुट थे इंग्लैंड की तरफ से, और कॉन्ट दे लिली थे जो वो फ्रेंच की तरफ से थे, ये दोनों ही आपको याद रखना है। हम चलेंगे सवाल नंबर 180 की ओर। सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम की बात कर रहा है इंडिया में, सेम चीज फिर आ गया 1909 मुस्लिम के लिए, तो ये बताने की जरूरत है नहीं। कोल्ड म्यूटिनी, कोल विद्रोह 1831 में, जो बुद्ध भगत जिसका नेतृत्व किए थे, वो कहाँ पे था, तो वो सिंहभूम एरिया में, जो छोटा नागपुर पठार था उस एरिया में हुआ था कोल विद्रोह। ठीक है, देख सकते इसमें कौन थे, बुद्ध भगत, मदरा महतो और जोआ भगत, एंड ये और लोग थे जो कोल रिबेलियन को लीड किए थे। ओके, द रिबेलियस ट्राइबल आर ट्रीटेड एज द वंडेड, जो ब्रिटिश थे, ब्रिटिश हिस्टोग्राफी जिन्होंने भी लिखा उनको डाकू बताया इन लोगों को, जो भी ब्रिटिश इतिहासकार हैं, इन कोल रिविलियंस में जो भी लोग थे उनको एक डाकू बताया गया है, इस बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलेंगे सवाल नंबर 182। हु अमंग द फॉलोइंग एडवोकेट हैड अपियर्ड फॉर द आईएनए ट्रायल्स एट दिल्ली, देखिए जो इंडियन नेशनल आर्मी के लोग थे उनके ऊपर ट्रायल हुआ था, उनके ऊपर ट्रायल हुआ था, ब्रिटिश इनको सजा देना चाहती थी, तो इसके ऊपर, इसके खिलाफ या इसके डिफेंस में जो केस लड़े थे या एडवोकेट किए थे वो कौन थे,
तो इसके देखिए बालूबा देसाई थे, तेज बहादुर सपूर थे और आपके जवाहरलाल नेहरू थे। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन केवल बी होगा क्योंकि यहाँ पर आपको वही आंसर आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये पूरा पढ़ लीजिएगा किस तरह से क्या चीजें हुई थी। तीन लोगों पर देखिए पहला जो ट्रायल चला था, तीन लोगों के ऊपर, एक हिंदू थे प्रेम कुमार सहगल, एक मुस्लिम थे शाह नवाज खान और एक सिख थे गुरबख्श सिंह ढिल्लो। ये तीनों के ऊपर नवाज खान ढिल्लो और एक प्रेम कुमार सहगल, तीनों के ऊपर चला था मुकदमा। इसको जो डिफेंस किए थे वो बालूबा देसाई, आसफ अली, जवाहरलाल नेहरू, तेज बहादुर सपूर, ये सारे कुछ इन लोग थे जो उसमें एज ए वकील के रूप में काम कर रहे थे। 183 नंबर सवाल करता है कि पूर्ण स्वराज डे कब मनाया। देखिए पूर्ण स्वराज डे कांग्रेस सेशन जो हुआ था, ओके, तो पूर्ण स्वराज डे की बात करा तो ये मनाया गया था 26 जून 1930 को। 1929 का लाहौर सेशन पूर्ण स्वराज की बात किया गया और बोला कि हम 26 जून 1930 को मनाएंगे स्वतंत्रता दिवस, इसलिए 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, झंडा फहराया गया था 26 जून 1930 को, किसी द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा झंडा फहराया गया था। यह भी सवाल पूछा है। सवाल में तो देखिए आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं क्या चीजें हैं। ओके, मैं पढ़ूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग जाएगा आपको, इसको वीडियोस को पॉज करके देख लीजिएगा, बाकी आपको पीडीएफ पूरा मिलेगा, डोंट वरी। सवाल में 84 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट। विनोबा भावे सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही, सी आर दास देशबंधु, विलियम बेबर्डन। देखिए विलियम बेबर्डन की बात करेंगे तो 1889 का कांग्रेस सेशन में ये थे। 1907 तो आपको पता है कि कौन थे, रास बिहारी घोष थे, तो ये तो होगा नहीं। श्यामजी कृष्ण वर्मा, इंडिया हाउस इन लंदन नॉट इन पेरिस, ये भी गलत है। सेकंड विनोबा भावे फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही थे, सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रह की बात करेंगे तो वो थे आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेकंड इंडिविजुअल सत्याग्रही थे। तो यहां तक कवर करते केवल सी आर दास देशबंधु जो वो आपका राइट आंसर है। यहां पर देखिए पेरिस इंडिया सोसाइटी की बात अगर करेगा तब हो जाएगा आपका भिकाजी कामा। स्टुगर्ट के जर्मनी में सबसे पहली बार ट्राई कलर मीन्स की तिरंगे को फहराई थी भिकाजी कामा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बहुत सारे सवालों को हम डिस्कस करते हैं एक सवाल के अंदर, तो ये बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है। सवाल नंबर 185 कहता है, यहाँ पे 185 होगा, ओके, गांधी जी ने कहाँ पढ़ाई किया था सबसे पहली बार, किस कॉलेज में पढ़े थे? तो सामलदास कॉलेज भावनगर में उन्होंने पढ़ाई किया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। गांधी जी कंसिडर्ड एज द लीडर ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस मूवमेंट, गांधी जी हैड स्टडी एट सामलदास कॉलेज भावनगर, इस बात ध्यान रखिएगा। ओके, इनके कुछ बुक है, इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, इनका जनरल है विकी जनरल है, नवजीवन और हरिजन, कुछ जर्नल्स हैं कुछ बुक्स हैं। ठीक है, सवाल नंबर 184 अबाउट विच एक्ट जवाहरलाल नेहरू हैड सेड वी वर प्रोवाइडेड विद द कार विथ ऑल ब्रेक्स एंड नो इंजन। 1935 का एक्ट है, उसके बारे में बताया जवाहरलाल नेहरू ने कि जो हमको ऐसा इंजन दे दिया है जिसमें केवल ब्रेक लगा हुआ है और इंजन है ही नहीं। ओके, तो ये 1935 के एक्ट के बारे में कहा था, इस विधायक 1935 के एक्ट के बारे में कहा था। सवाल नंबर 185 कहता है कि डांडी मार्च कब तक चला था। देखिए डांडी मार्च की बात करेंगे 12 मार्च 1930, खत्म कब हुआ 6 अप्रैल 1930, कितना दिन हो गया जोड़ लीजिए, तो 24 दिन तक चला था डांडी मार्च। तो हम लोगों ने 185 सवाल किया मॉडर्न हिस्ट्री का, ठीक है, और मैं अपने लेवल पे मैंने बहुत बेस्ट में आपको मैं करवाया हूँ, जो भी चीज़ें हो सकता है मैंने आपको करवाया हूँ। ओके, कुछ कुछ सेशन में कुछ ऑप्शंस गलत थे तो मैंने उसको करेक्ट भी किया है। ओके, और मैंने कमेंट्स के में पिन भी मैंने किया, कुछ चीज़ें गलत हुई तो यहाँ तक 185 सवाल को करने के बाद आपका काफ़ी मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल कवर हो जाएंगे, जो बीपीएससी पूछता वो आइडिया आ जाएगा, क्योंकि बीपीएससी बार बार रिपीट किया। आप 66वां बीपीएससी के सवाल को देख लीजिए, उसमें से लगभग 10+ प्रश्न हैं जो हिस्ट्री के, वो प्रीवियस ईयर, मैं इसकी प्रीवियस ईयर पूरा उठा कर दे दिया, सिंपल एकदम एग्जैक्ट। और जो भी सवाल और भी हैं मॉडर्न हिस्ट्री के सवाल, लगभग 15+ सवाल, वो भी इनसे रिलेटेड ही हैं। तो मॉडर्न हिस्ट्री तो आपके एकदम जुबान पे होना चाहिए लाइन बाय लाइन, और बाकी मैं जितना करवा दिया हूँ वो सफिशियंट है फॉर द मॉडर्न हिस्ट्री। तो मिलेंगे कल के सेशन में, और कल जो हमारा सेशन होगा होगा पॉलिटी का, पॉलिटी के प्रीवियस ईयर के सवालों करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि आप लोग वीडियोस को बहुत ही कम देख रहे हैं, तो सेशन को जबरदस्त रूप से शेयर करिए तो मज़ा आएगा, जितना ज़्यादा हो सकता है आप लोग शेयर करिएगा लाइक करिएगा तभी हमको मज़ा आएगा, फिर और मैं आपको बहुत कुछ कंटेंट दूंगा। तो मिलेंगे कल के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।